भारत कितने ही रंग कितने ही रूप और इसके हर रंग रूप को छूता एक अविराम सफर है भारतीय रेल। भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटन विभाग ने सन 1982 में साकार किया एक सपन, द पैलेस ऑन व्हील, पहियों पर दौड़ते महल का सपन। अंग्रेजों के जमाने में जो आरामदेह सलून महाराजाओं के हुआ करते थे, वही शान शौकत, वही रौनक आपको इस वातानुकूलित ट्रेन के हर कूपे में नजर आएगी। हमेशा सेवा के लिए तैयार, खिदमतगार और हमेशा दावत देता बार। इस ट्रेन में दो डाइनिंग कार्स हैं, एक आधुनिक दूसरी परंपरागत। आपको जो स्वाद चाहिए यहाँ मौजूद है, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, भारतीय या ठेठ देसी। पैलेस ऑन व्हील्स में 14 सैलून हैं। हर सैलून अपने आप में सभी सुख सुविधाओं से लैस। पैलेस ऑन व्हील्स महल में बैठकर राजे रजवाड़े और राजपूतों के इतिहास का और भारत की सुंदरता का सफर। और अब हम आपको ले चलते हैं एक और शाही सवारी पर, द रॉयल ओरिएंट। दरअसल जब पैलेस ऑन व्हील्स मीटर गेज से ब्रॉड गेज पर दौड़ने लगी, तब भारतीय रेल और गुजरात पर्यटन विभाग ने मीटर गेज पर दौड़ने वाले पैलेस ऑन व्हील्स को भी एक नई पहचान, एक नया नाम दिया, द रॉयल ओरिएंट। सन 1995 से शुरू हुई ये ट्रेन राजस्थान और गुजरात की सैर कराती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं 7 दिनों की शाही दावत पर, शानदार सैर पर, द रॉयल ओरिएंट। सॉरी, हमेशा की तरह आज फिर मैं लेट हूँ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आप जानते हैं, परसों से मेरा एक सपना है कि मैं एक ऐसा सफर करूँ जो इतिहास से होकर गुजरे, जो एहसास दिलाए उस भव्यता का, उस महान अतीत का, उस अध्यात्म का जो हिंदुस्तान है। और ऐसे ही शाही बादशाहत का वादा है द रॉयल ओरिएंट का। भारतीय रेल और गुजरात पर्यटन द्वारा संचालित ये रेल हमें ले चलेगी इतिहास और संस्कृति की भूमि पर, राजस्थान और गुजरात में। मुझे तो हर पल का बेसब्री से इंतजार है। और आपको? दिल्ली छावनी से भूली बिस्तरी छुक छुक गाड़ी हमें ले चली चित्तौड़गढ़ की ओर। खेत खलियानों से गुजरता एक आश्चर्य, बीते दिनों का ये आश्चर्य आज बीते दिनों का रोमांच बनकर मेरे साथ था। ट्रेन पर इंतजार कर रही थी एक सुंदर शाम वेलकम ड्रिंक के साथ, और ये अवसर था मेरे लिए अपने सह यात्रियों से मिलने का, जो दुनिया के दूर दराज के कोनों से आए थे। और यकीनन ये शाम एक यादगार सफर की शुरुआत थी। चित्तौड़गढ़, खंडहर के पीछे से उगता सूरज जगा रहा था राजपूतों के गौरवशाली इतिहास को। मैंने भी जानने की कोशिश की उस राजपूताना अतीत को, जो कहानी बनकर इन खंडहरों में जी रहा था। विजय स्तंभ, राजपूतों की कीर्ति का स्तंभ, कला का स्तंभ। कभी यहाँ से रानी पद्मिनी के साथ सैकड़ों राजपूतनियों के जौहर की आवाज गूंजी थी। राजस्थान की मिट्टी में कितनी ही कहानियां हैं। हम फिर चल पड़े नई कहानी की तलाश में। राजपूताना शैली से बनी बाहरी कॉरिडोर से आकर खिदमतगार ने मुझे ये एहसास दिलाया कि ये 7 दिनों का सफर नहीं, 7 दिनों की बादशाहत है। ये महज कूपे नहीं, एक आरामदायक वातानुकूलित कमरा था, सभी सुविधाओं से लैस। हमारा अगला पड़ाव करीब था, उदयपुर। फिर एक नई दास्तान सुनने को मैं बेसब्र थी। रसीलों की नगरी उदयपुर, जहाँ भी देखो महल चौबारे ही नजर आते थे। झील के बीचों बीच झील महल, उदयपुर का मशहूर होटल लेक पैलेस। यहाँ स्वागत का परंपरागत अंदाज
हमारे कुछ मेहमानों के लिए एक अलग ही अनुभव था। यहाँ है प्राचीन स्थापत्य कला और आधुनिकता का अनोखा संगम, जैसा महल वैसा जायका भी। उस युग की यादें संजोए सहेलियों की बाड़ी, यानी सहेलियों का बाग। यहाँ चारों ओर से उठते पानी के फव्वारों ने मन को मीठे एहसास से भिगो दिया और हम चल पड़े एक नए एहसास के साथ एक नए एहसास की ओर। राजस्थान छोड़ हम चले गुजरात की ओर। फुर्सत के कुछ पल बीते कठपुतलियों के बीच, राजस्थान के कलाकारों द्वारा लोक कथाओं को कहती कठपुतलियां। हम पहुंचे गुजरात की सरहद पार जूनागढ़, स्थापत्य कला के अद्भुत सौंदर्य का गढ़, भवन निर्माण की अलौकिक कारीगरी का गढ़। यहाँ का इतिहास अपने आप को चक्रवर्ती शौर्य सम्राट अशोक से जोड़ती है और यहाँ के पत्थरों पर अंकित प्राकृत भाषा का शिलालेख सम्राट अशोक के धर्म प्रचार की कहानी कहते हैं। सोमनाथ में डूबता सूरज और दूर अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी सफर की रात पे यादगार थी, और टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी से सराबोर था ट्रेन का आधुनिक रेस्टोरेंट, हंसी बिखेरते खिदमतकार और कैंडल लाइट डिनर। इस ट्रेन का दूसरा रेस्टोरेंट परंपरागत गुजराती शैली से सजा है, जहां हर रोज एक नया जायका आपका इंतजार करता है। थैंक यू। ट्रेन में खाने का मजा ही कुछ और है ना? पहियों पे दौड़ता हुआ ये शानदार रेस्टोरेंट, क्या कहने। और वैरायटी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और अपना भारतीय खाना भी। माफ कीजिए, कुछ और कहना मुश्किल है। सुबह नींद खुली और चौंक कर उठने के लिए इतना ही काफी था कि ट्रेन जंगल के झुरमुटों में खड़ी थी। बाहर हल्की सी ठंड थी और चिड़ियों की चहचहाहट भी। ऐसे में जंगल की सुबह को महसूस करने हम निकल पड़े। लेकिन जब बस से बाहर निकलने के लिए कदम उठाए तो फौरन उल्टे पांव लौटना पड़ा। जंगल के राजा को इस तरह आजाद और इतने करीब से मैंने पहली बार देखा था। सासनगीर का जंगल, जहां इन्हें मिला है एक नया घर। जंगल अपने आप में न जाने कितने रहस्य छुपाए हुए हैं, मगर कभी अनायास ही आपके कदम रुक जाते हैं और यूं ही पड़ी कोई चीज आपकी यादों में बस जाती है। गीर की यादें समेटे सफर आगे बढ़ा। सफर की थकान से तरोताजा हुए और उधर हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा था। द रॉयल ओरिएंट में वक्त काटने के कई बहाने हैं। आप यहाँ वीडियो पर अपना पसंदीदा फिल्म भी देख सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ भी सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखते ही देखते ट्रेन अगले पड़ाव के करीब थी। सागर की लहरों पर दौड़ता रोमांच, अहमदपुर मांडवी। यहाँ की यही फितरत है, भूल जाइए समय को और कर दीजिए अपने आप को लहरों के हवाले। मांडवी के आगे एक खूबसूरत द्वीप है दीव। इसी द्वीप पर है एक अभेद किला। इसे गुजरात के सुल्तान और पुर्तगीज फौज ने सन 1535 में बनाया था। खामोश सोया हुआ सा दीव, रेत पर बिछी धूप की चादर,
कुछ और यादें साथ हो लिए। आगे सफर का रुख अध्यात्म की ओर हो गया और हम चल पड़े शत्रुंजय पर्वत की ओर। लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई थी और चढ़ाई के बाद आया हमारा आध्यात्मिक पड़ाव पालिताना, जैन मंदिरों का शहर। यहाँ तकरीबन 863 से भी ज्यादा मंदिर हैं। कहते हैं इन्हें बनाने के लिए करीब 900 साल लगे हैं। तरह तरह के अनुभवों को संजोते हुए हम पहुँचे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, यानी कि भारत का टेक्सटाइल टाउन अहमदाबाद। गुर्जरी, गुजरात हस्तकला की मशहूर दुकान। यहाँ पारंपरिक साड़ियाँ, खूबसूरत शिल्प और कठपुतलियाँ भी मिलती हैं। खाने का लुत्फ उठाना है तो आइए पतंग रेस्टोरेंट में। लजीज पकवान और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से अहमदाबाद के नजारे। अहमदाबाद साबरमती के उस महान संत की भूमि है जिसने इस देश की आजादी के लिए एक महामंत्र दिया था, सत्य और अहिंसा का मंत्र। मैंने आजादी का संघर्ष तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ इस आश्रम में आकर मैं भी अपने आप को उस दौर से जुड़ा हुआ पाती हूँ। अतीत के कदमों को ढूंढता हमारा सफर चला नई दिशा की ओर। सफर के अंतिम दौर में हम फिर राजपूतों के उस गर्वीली माटी तक पहुंच गए, जयपुर। जैसा देश वैसा भेस। अरे मुझे नहीं पहचाना। यूं तो राजे रजवाड़ों के इस नगरी में बाजार भी परंपरागत चीजों से सजे हैं, मगर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है आभूषण। राजपुताना संस्कृति का गढ़, गुलाबी शहर जयपुर। बीते हुए कल के इतिहास के साथ साथ आज के बाजारों की चहल पहल भी। इतिहास का साक्षी आमेर किला। और अब इतिहास से नाता जोड़ने के लिए यहाँ मौजूद है हाथी की शाही सवारी। सफर का आखिरी दिन, शाम के धुंधलके में मैं समेट रही थी कुछ बेशकीमती पल, किसी डायरी के पन्नों में सिमटा हुआ सा यादगार सफर, हवा का हल्का झोंका सा सफर। हदे निगाह तक फैला सुहाना सफर। सफर जिसमें मिले हम सफर, जिसमें थे कई कई रंग अपने देश के। सफर बेमिसाल इतिहास का, सुकून का, आराम का, मौज मस्ती का, मुस्कान का। एक ऐसा सफर जहाँ परंपरागत साज सज्जा के साथ था आधुनिक सुख सुविधा और वैभव। एक ऐसा सफर जहाँ मुस्कान बिखेरते खिदमतकार हमेशा आपके सेवा में तत्पर थे। जहाँ तरह तरह के व्यंजनों की महक थी और था भारत का परंपरागत चेहरा। सफर जो मानो हौले से आपको सुला दे। सफर द रॉयल ओरिएंट का, भारतीय रेल का गौरव। सुना था जीवन में कुछ पल बड़ी दुविधा के होते हैं। आज कुछ ऐसी ही बात है। एक और मुझे खुशी है कि 7 दिनों का नया अनुभव, नया एहसास मेरे साथ है।
लेकिन दुख भी है कि देखो ये 7 दिन ये घड़ियां कितनी जल्दी खत्म हो गईं। ये दिन इतनी जल्दी बीत गए कि मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, इन 7 दिनों में मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ी। हर चीज बस इशारा किया और हाजिर थी। यहाँ तक कि सफर की प्लानिंग से लेकर तैयारी तक, साधन सुविधा से लेकर खाने पीने तक मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ा। याद करो तो ये एक सपने जैसा लगता है। लेकिन हाँ, इस सपने को मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। Indian Railways, striving for your better tomorrow today.